बर्दाश्त करने और कबूल करने के लिए और एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार न थे। कुन तुम आदा, तुम दुश्मन थे, तुम्हारे दिल एक दूसरे से मुड़ गए थे, तुम्हारी तबीयतें एक दूसरे के लिए नाकाबिले कबूल हो चुकी थी, तुम्हारे मिजाजों में एक दूसरे के लिए दूरियां पैदा हो गई थी। नागाह तुम इस हालत में थे, नेमत अल्लाह अलैकुम, अल्लाह ने तुम पर एक अपनी नेमत फरमा दी। अब वो नेमत जब तुम पर आई, उस इनकलाब अंगेज नेमत ने तुम्हारे अंदर तब्दीली क्या बपा की, तुम्हें किस हालत से हमकिनार किया। अल्लाह फरमाता है असबह तुम बिनेमति ही इखवाना, ये वही नेमत है जिसने अल्लाह की तरफ से तुम्हारे अंदर यह इनकलाब बपा किया कि जब वो नेमत तुम पर हुई, उस नेमत के आते ही, उसके मुयस्सर आते ही, उसके जलवा करते ही, उसके हिजाब को उसके रुख से उठाते ही कैफियत क्या हुई, असबह तुम बिनेमति ही इखवाना, तुम जो आपस में दुश्मन थे नेमत को देखते और पाते ही तुम आपस में भाई भाई बन गए। उस नेमत ने इंसानों की फितरत, तबीयत, उनके मिजाज, उनके मामूलात और उनके जहन की दुनिया, उनके दिल की दुनिया में इनकलाब बपा कर दिया और उनको आपस में भाई भाई बना दिया। उसके बाद फिर इसी नेमत का दूसरा असर कुरान बयान करता है कि ये हालत तो दुनिया में तुम्हारे लिए जाहिर हुई, ये इनकलाब तुमने अपने सर की आंखों से दुनिया में देखा। असबह तुम बिनेमति ही इखवाना, तुम उस नेमत के आने से दुनिया में भाई भाई बन गए। अब इस नेमत के आने से आकिबत में क्या हुआ, आखिरत में क्या हुआ, वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, फरमाया जहां दुनिया में तुम एक दूसरे से किनारा कश थे, एक दूसरे से पुश्तें लगी थीं, एक दूसरे से रुख मोड़े बैठे थे, एक दूसरे को कबूल करने के लिए तैयार न थे, मेरी वो नेमत तुम पर हुई तो तुम आमने सामने हो गए, एक दूसरे को बर्दाश्त करने, एक दूसरे को भाई के तौर पे कबूल करने को तैयार हो गए। ये तो दुनिया में इनकलाब था, अब सुनो आखिरत में क्या हुआ। कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, इस नेमत के आने से पहले तुम जहन्नम के गड़े पर पहुंच चुके थे, दहानाए आतिश पर तुम पहुंच चुके थे, तनूर फनाइयत के करीब तुम पहुंच चुके थे, करीब था कि तुम अपने आप को उसमें गिराकर फना कर देते, करीब था कि तुम उसमें वाके होकर नेस्तो नाबूद हो जाते, लेकिन अल्लाह ने जब वो नेमत तुम पर की, उस नेमत ने आके तुम्हारे पेटी बंदों में हाथ रख के खींचा तुम्हें और कहा हलुम्मो इलैया, हलुम्मो इलैया, व अंतुम तारिफूननी व अंतुम तकरऊन कलिमती व तकमहून नार, तुम मुझे जानते हो, कलमा मेरा पढ़ते हो और जहन्नम में गिरते हो, गिरने पर आमादा तुम हो, बचाने पर आमादा मुस्तफा किया गया है। इंसानियत सारे तबकात, अफराद, अशखास और तमाम जिहतें इंसानों की आमादा थी कि हमने तबाह हो जाना है, हमने गारत हो जाना है, अगर हमारा दुश्मन हमें नहीं छोड़ना चाहता तो मरने से पहले हम उसे भी खत्म कर देंगे। यह इंसानों का मिजाज था, यह इंसानों की तबीयत थी, ये इंसानों के फैसले थे। किसने आकर खून के प्यासों को प्यार का प्यासा बना दिया, जरा गौर तो कीजिए, वो कौन करीम था, वो कौन बंदा नवाज था जो
एक मकाम पर इकट्ठे होने के लिए तैयार न थे, वो एक मुस्तफा पर इकट्ठे हो गए, जिनका मतलूब मकसूद मुद्दा एक न हो सकता था। फिर चश्मे फलक ने देखा कि जो अपनी जात में फना थे, जो अपने मुतालबात में अव्वलियत और असबकियत का मुतालबा